हाँ अच्छा, भागते भागते आप ही आ रहे हो। क्या नाम है आपके रेस्टोरेंट का? किशोर। अच्छा, कितनी देर का स्टॉप है ये? 2 मिनट। 2 मिनट बस? ये देखो भाई साहब, क्या फास्ट सर्विस है भैया, भागते भागते भाई, मेहनत करके। भैया पैसे पेड हो चुके हैं, ठीक है? तो भाई ये मंगाया बाहर से खाना, और किस तरीके से मंगाया, कैसे मंगाया वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले, उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है आप इन लोग ये चेक करो कि ये रहा ऊपर का बिल, और ये बिल के बाद जो है नीचे पूरी पैकिंग है फूड की, और इसको जो है आप खोल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये हमारी अनबॉक्सिंग, ये देखिए ये निकला सबसे पहले ये तीखा चस्का, ये चेक करो जी। इसके अंदर जो है मुझे लग रहा है चिल्ली फ्लेक्स है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और ये अपना स्पून हो गया, और इसको मैं पहले से फाड़ चुका था, देख चुका था, और उसके बावजूद जो है मैं आपको फाड़ के दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मेरी क्लोज हो गई थी बीच में, इसलिए मैंने इसको पहले फाड़ लिया था। लेकिन मैंने कहा सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। डिलीशियस कन्वेंट फ्री मील्स, ये भाई इसकी पैकिंग कुछ इस तरीके की है, ये देखो अंदर से, ये रवारा लंच बॉक्स का ये रैपर जिससे इन्होंने पैक किया था पूरे बॉक्स को। अब देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर ये रहा वो बटर चिकन, और बटर चिकन का जो है साइज़ देखेंगे कि अंदर से क्या कह रहा है। और है भाई थोड़ा सा तो गर्म है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया होगा इनको बनाए हुए, और इसको खोलते हैं। ये देखो जी, ये आगे पराठा, और ये आप चेक कर सकते हैं, ये आगे इनकी प्याज वाली सलाद, और ये रहा भाई साहब इनका ये बटर चिकन। और बटर चिकन में आपको मैं पीसेस दिखाऊं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा मिलने वाला है, क्योंकि ये देखो मैं स्पून से तो नहीं, मैं आपको हाथ से उठा के दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये मिला है ये छोटा सा पीस, इसको रखते हैं साइड में, मैं आपको पीस चेक करवाता हूँ कितनी क्वान्टिटी पीस होगी। और ये देखो ये हल्का सा है, ये बोनलेस है पूरी तरीके से, और ये छोटा सा पीस इधर कर देते हैं, और ये हल्का सा इधर, और ये लो जी इसको भी इधर रख देते हैं। अब ये चेक करो आप कि ये इनके पीसेस हैं, मुश्किल से ये मेरे फूड ब्लॉगिंग के एक्सपीरियंस में ये पीस जो है मात्र 30 रुपये का पीस है, और ये इन्होंने पीस दिया भाई साहब। ये लगा लो कि मुझे इस टाइम ऐसा महसूस हो रहा है, या महसूस क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता चल चुका है कि मैं पूरी तरीके से ठगा जा चुका हूँ बाहर के इस रेस्टोरेंट से जो खाना मंगाया है। बट इसके अंदर खुशबू लाजवाब आ रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले जो है उंगलियों को थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब ये जो है सबसे पहले उठाते हैं यहाँ से पराठा, और ये देखिए ये रहा एक पराठा, और ये रहा इनका ये सेकंड पराठा, और ये रहा इनका ये थर्ड पराठा। इन्होंने 3 पराठे दिए हैं, और भाई साहब ये चिकन का एक पीस दिया है, और इसका रेट जो पड़ा मुझे 322 रुपये। क्या यार, मतलब कि लूटने की भी कोई हद होती है, एक हद होती है, एक सीमा होती है, मतलब कि इस तरीके से लूटा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, चलिए अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं, जब मंगाया तो भाई टेस्ट तो करना ही पड़ेगा कि टेस्ट कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले जो है पीस उठाते हैं एक चिकन का, और चिकन का पीस ये लेते हैं हम, और इसको जो है ग्रेवी में मिलाते हैं, टेस्ट इसका अच्छा है। बट इसके अंदर जो है थोड़ी सी मिठास आ रही है, जो कि मुझे मिठास बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा स्पाइसी और तीखा पसंद है, लेकिन जिसको मिठास पसंद है भाई उसके लिए तो A1 है। बट A1 तो आपके लिए जब होगा ना, जब आप इसको मंगाओगे 322 रुपये में जो है आपको ये क्वांटिटी मिलती है। और इनका जो है आप लोगों को एक और मैं स्कैम दिखाता हूँ कि क्या स्कैम कर रहे हैं ये। ये देखो, मैंने जब पीसेज जब निकाले थे तो मुझे पहले ही कुछ पता चल गया था पीसों को छू गए कि पीस किस तरीके के हैं। ये देखो, ये कोई भी चिकन का पीस नहीं है, ये है कबाब का पीस, जो कबाब का जो रोल होता है चिकन कबाब का, उसको इन्होंने रोस्ट करके और इसके अंदर डाला हुआ है। और ये तो भाई साहब चिकन का पीस है ही है, उस एक पीस की क्वांटिटी में भी इन्होंने जो है इस चिकन कबाब को इसके अंदर मिक्स किया हुआ है, जबकि हमने जो है चिकन के पैसे दिए हैं, ना कि चिकन कबाब के दिए हैं। मेरे साथ तो भाई साहब स्कैम हो चुका है, टेस्ट इसका अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे मत मंगाओ, टेस्ट इसका अच्छा है, थोड़ा सा मिठास है, और जैसा कि उस पर स्मोकी बटर चिकन लिखा हुआ था, तो स्मोकी बटर चिकन का फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। बट चिकन लवर हो तो आप इसको मंगा सकते हो, अगर आप इसको अफोर्ड कर पाओ तब। लेकिन भाई साहब मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि इसको मत मंगाना, 322 रुपये में जो है ये क्वान्टिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम। एक तरीके से पूरा इसका जो है सर्विस चार्ज लेके, सब कुछ लेके, इसका प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के, इसका प्राइस टैक्स लेके, हर चीज़ लेके
100 रुपये इसका प्राइस होना चाहिए था, इससे ऊपर का इसका प्राइस होना ही नहीं चाहिए। आप लोग जो है बताना कि आपके हिसाब से इसका प्राइस क्या होना चाहिए। और अब मैं इसको फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।